सजल तुम कब आई? अब बस अभी सोचो तुम्हारी हेल्प करा दूं। उफ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार कि इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। कितने खूबसूरत जोड़े हैं तुम्हारे, शहीर ने नहीं बताया? शहीर का बस चले तो वो मुझे बिल्कुल नहीं भेजे। तुमने देखा नहीं कैसे बच्चों की तरह मुंह सजाए बैठे हुए थे? वैसे कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, इतने बड़े घर में शादी हुई है तुम्हारी, और मुझे देखो तो सड़ा हुआ रिश्ता है मेरे। रिश्ता किसका? उज्मा खाला के बेटे का। इतनी बातें सुना रही थी जैसे कोई बेटा मिनिस्टर हो। अच्छा, फिर चाचा जान ने क्या कहा? अबू ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अम्मी ने काफी बातें सुनाई। अब देखो जरा, तुम्हारे इतने बड़े घर में शादी हुई है तो मैं कैसे 20-25 हजार नौकरी पेशा इंसान के साथ शादी कर सकती हूँ? अब ये अबू तो नहीं समझते है ना बातें। अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, चाचा जान क्यों नहीं समझेंगे, उनसे मैं खुद बात करूंगी। अगर तुम मेरे लिए रिश्ता ढूंढो, मेरा मतलब है कि अगर तुम मेरी हेल्प करो रिश्ता ढूंढने में, तो शायद अबू मान जाए। ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हारे लिए रिश्ता मैं और शहीर खुद मिलके ढूंढेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, ये तो बताओ वो दिखाई में क्या मिला? इतना प्यारा सेट तो मैं नजर नहीं आ रहा। वाओ ब्यूटीफुल, डायमंड का सेट दिया। रियली बहुत खूबसूरत है। अच्छा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ, निकलना भी है ना। हाँ कर लेते हैं जल्दी। अच्छा आई थिंक ये वाला पहन लेती हूँ। हाँ अभी तुम ये पहन लो और फिर वो दोनों चीजें हम लेके घर चले जाते हैं। साथ रख।